साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आधुनिक राइफलें न बनाकर हमारे वीर जवानों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल न करके यहां के संसाधनों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या रोजगार न देकर अमेठी के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, पहले जो सरकार थी उसने सुरक्षा बलों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हमारे वीर जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कैसे तरसाया गया, इसे देश को बार बार याद कराना आवश्यक है। साल 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारे जवान दुश्मन की सेना की गोलियों और आतंकियों के छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर करता था। 2009 से लेकर 2014 तक पांच साल कम समय नहीं होता है, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। यह हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। मैं आज अमेठी में आया हूं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि देश के वीर जवानों को राइफल का इंतजार कराने वाले, बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार कराने वाले ये लोग कौन थे? कौन लोग थे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भलीभांति जानते हैं कि ये कौन लोग थे। आप भलीभांति जानते हैं कि कौन लोग थे। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत माता की, और इसलिए भाइयों बहनों, आज इस शिलान्यास, और आप जानते हैं मुझे किसी का नाम कहने की जरूरत नहीं है, भाइयों और बहनों, हमारे देश को आधुनिक राइफल ही नहीं, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं, आधुनिक तोप के लिए भी इन्हीं लोगों ने इंतजार कराया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आधुनिक हॉविट्जर तोप को सौदा किया और अब तो भारत में ही ये बनाई जा रही है। साथियों, आधुनिक तोप की ही तरह आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए हमारी वायुसेना दशकों से कह रही थी, लेकिन जिनकी नियत ही खराब हो उनको भला वायुसेना की आवाज कहां सुनाई देगी। ये लोग सालों तक राफेल विमानों के सौदे पर बैठे रहे और जब सरकार जाने की बारी आई तो उसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया। ये हमारी ही सरकार का प्रयास है कि अगले ही कुछ महीनों में पहला राफेल विमान भारत के आसमान में होगा, लेकिन ये लोग अभी भी ये राफेल विमानों के सौदे को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, उसको भी नाकाम कराने के लिए, फेल कराने के लिए कुछ न कुछ नए नए नखरे कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीएजी तक हर संस्था कह रही है कि भारत सरकार ने सही निर्णय किया है, सही समय पर किया है, सही सौदा किया है और देश के हित में किया है, लेकिन ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। रक्षा सौदे में कमीशन न मिलने की बौखलाहट क्या होती है, ये कुछ लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है।